वेलकम स्टूडेंट्स, प्लस टू इकोनॉमिक्स में कल हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक किए थे, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है एस इज इक्वल टू माइनस 50 प्लस 0.5 वाई। ये सेविंग फंक्शन है, वाई एंड नेशनल इनकम है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आपको दिए हुए हैं रुपीज 7000, ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दिए गए हैं। तो देखिए आपको गिवन क्या है, एस की वैल्यू गिवन है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिवन है। आप इक्विलिब्रियम लेवल, जो आपका इक्विलिब्रियम लेवल है, इक्विलिब्रियम लेवल पर एस इज इक्वल टू आई। एस किसके बराबर है? आई के बराबर है। तो हम एस की जगह आई की वैल्यू रखेंगे 7000 माइनस 50 प्लस 0.5 वाई। तो देखिए 0.5 वाई, ये 50 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 7050। तो वाई इक्वल टू 7050 बटे 0.5, 14100। ये आपकी क्या आ जाएगी? इनकम आ जाएगी। आपकी इनकम कितनी आ गई? 14100। अब देखिए सेविंग इज इक्वल टू माइनस 50 प्लस 0.5 वाई, तो माइनस 50 प्लस 0.5 इंटू 14100, ठीक है। तो ये आपकी आ जाएगी 7100। सेविंग कितनी आ जाएगी? 7100 आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या पूछा है, एक तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल पूछा है। दूसरा क्या पूछा है आपका, जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पूछे हैं। तो देखिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो वाई की वैल्यू दी हुई है 14100, सी एस की वैल्यू कितनी दी हुई है, आपने एस की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू निकाली है, एस की वैल्यू निकाली है। तो जो आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो कितने आ जाएंगे? 7000, ये आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ जाएंगे, ठीक है। तो आपका नेशनल इनकम, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और सेविंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया हुआ है C इज इक्वल टू 150 प्लस 0.6 वाई। C कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, Y आपका इनकम है, और जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो दी हुई है रुपीज 2000। अब आपने क्या करना है, इक्विलिब्रियम लेवल पर क्या लेना है, इक्विलिब्रियम लेवल पर लेना है y इक्वल टू c प्लस i। अब यहां हम क्या करेंगे, c की वैल्यू रख देंगे, तो y इज इक्वल टू 150 प्लस 0.6 y प्लस 2000, ठीक है। तो देखिए ये 1y हो जाएगा, तो 1y माइनस 0.6 y इज इक्वल टू 2150, 0.4 y इज इक्वल टू 2150। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2150 0.4, ये आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। तो y की वैल्यू आ जाएगी 5375, ये आपके इनकम आ गई, ठीक है। इसके बाद आपने क्या निकालना है, कंजम्पशन निकालना है। तो देखिए कंजम्पशन ये आपका c इज इक्वल टू 150 प्लस 0.6 इंटू 5375, इनकम को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 150 प्लस, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3225, तो ये आ जाएगा 3375, ये आपकी क्या आ जाएंगे, कंजम्पशन आ जाएंगे। अब इसके बाद आपने क्या निकालना है, इसके बाद आपने सेविंग निकालना है। तो सेविंग निकालने के लिए y इज इक्वल टू c प्लस s, y है 5375, c है 3375, s की वैल्यू निकालेंगे, तो s इज इक्वल टू 2000, s की वैल्यू क्या आ जाएगी,
2000 आ जाएगी। ठीक है, तो आपने तीनों पॉइंट निकाले हैं, इनकम निकाली है, कंजम्पशन निकाले हैं और सेविंग निकाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में कंजम्पशन फंक्शन, देखिए कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है 250 प्लस 0.5y, इन्वेस्टमेंट आपको दे रखा है 500, इज द इकोनॉमी इन इक्विलिब्रियम एट इनकम लेवल 2000 इनकम लेवल पर क्या आपकी इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम है, तो आपने y इज इक्वल टू c प्लस I, C की वैल्यू रखेंगे, तो Y इक्वल टू 250 प्लस 0.5Y और I की वैल्यू कितनी है 500 है, तो 1Y माइनस 0.5Y इज इक्वल टू 750, 0.5Y इज इक्वल टू 750, Y इज इक्वल टू 1500, Y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1500 आ जाएगी। अब देखिए इनकम 1500 और गिवन इनकम कितनी है 2000, तो दोनों आपकी जस्टिफाई नहीं हो रही है, द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितना है 1500 है, ठीक है, और गिवन इनकम कितनी है 2000 विच इज मोर देन इक्विलिब्रियम लेवल, तो देयरफॉर इकोनॉमी इज नॉट एन इक्विलिब्रियम, आपकी इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्यों नहीं है, इक्विलिब्रियम लेवल 1500 है, गिवन इनकम कितनी है 2000 which is more than equilibrium level, so our economy is not in equilibrium. Question number 18 देखेंगे, देखिए in an economy the autonomous consumption C bar 200 दिए हुए हैं, marginal propensity to consume 0.6 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 में ऑटोनोमियस कंजम्पशन दिए हुए हैं 200, एमपीसी आपको दिया हुआ है 0.6, इनकम आपको दी हुई है 1000 और ऑटोनोमियस इन्वेस्टमेंट आपको कितना दिया हुआ है 300 दिया हुआ है, तो देखिए वाई इक्वल टू सी प्लस आई, तो y इक्वल टू c की जगह वैल्यू रखेंगे c बार प्लस एम पी सी वाई प्लस आई, तो देखिए y कितना दे रखा है 1000 दिया हुआ है, c बार 200 दिया हुआ है, 0.6 1000 और i आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो ये 1000 है, ये आपका 800 आएगा प्लस आई, तो आई कितना बचेगा 200 इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट इक्विलिब्रियम लेवल है क्या 300, तो इक्विलिब्रियम लेवल तो 200 आया है, गिवन इन्वेस्टमेंट का जो लेवल है वो 300 है विच इज मोर देन इक्विलिब्रियम लेवल, तो योर आंसर इज नॉट जस्टिफाइड। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में हम क्या करेंगे, एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम कैलकुलेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव निकालना है आपने, आपको इनकम दी हुई है 500, ऑटोनोमियस कंजम्पशन आपको दे रखे हैं 50 और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आपको दे रखे हैं ये 30 दे रखे हैं और 70 दे रखे हैं, तो देखिए ये तीन आइटम आपको गिवन है, एस इज इक्वल टू आई, ठीक है, तो S इज इक्वल टू आई, तो हम ये माइनस में ले लेंगे, माइनस C बार प्लस एम पी सी वाई इज इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी है 70, तो ये कितना है माइनस 30 दिया हुआ है, ठीक है, तो यहां एम पी एस ले लेंगे, एम पी एस गिवन है ना, एम पी एस निकालना है तो एम पी एस ले लेंगे और Y कितना दिया हुआ है 500 दिया हुआ है इज इक्वल टू 70, तो इसमें हम क्या करेंगे ये 30 दबा के प्लस हो जाएगा, तो 500 एमपीएस
इज इक्वल टू 70 प्लस 30, तो MPS इज इक्वल टू 100 अपॉन 500, 0.2 ये आपका MPS की वैल्यू आ जाएगी। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो है उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0.2। ओके स्टूडेंट्स।